हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज। लास्ट टाइम हमने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल किया था और यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स हमने विजुअल स्टूडियो के किए थे, जैसे कि राइट क्लिक के थ्रू विजुअल स्टूडियो को किसी भी फोल्डर में ओपन करना वगैरह। अभी सेक्शन में हम विजुअल स्टूडियो के मजीद सेटिंग्स देखने वाले हैं, जिसके थ्रू हमारा कोड और आसान होगा विजुअल स्टूडियो में और हम कम टाइम में ज़्यादा कोड कर पाएंगे। तो कुछ शॉर्टकट कीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं और कुछ सेटिंग्स करने वाले। तो ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो को। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया वेब डेवलपमेंट के नाम से। इसी फोल्डर पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड विजुअल स्टूडियो के थ्रू ये फोल्डर में ओपन कर रहा हूँ, और जो भी फाइल हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में बनाएंगे वो यहीं पे सेव होते जाएंगे। तो बना लेते हैं यहाँ पे अपना फर्स्ट फाइल index.html के नाम से। तो मैंने यहाँ पे फाइल बना लिया index.html के नाम से और हमें फाइल यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले html का जो बॉयलर प्लेट कोड है वो एक्सेस कर लेते हैं। तो शिफ्ट के साथ 1 की तो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा और एमिट पे हमने क्लिक करना है, तो बॉयलर प्लेट कोड हमें यहाँ पे मिल चुका है। इसके नेक्स्ट बार देखोगे तो ये टेक्स्ट बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये टेक्स्ट बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए हमें एक सेटिंग इनेबल करना होगा। यहाँ पे अपने मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है माउस व्हील जूम। तो यहाँ पे सिर्फ ये चेक आपने लगाना है। चेक लगाने के बाद यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हो कि माउस व्हील जूम के साथ हम कंट्रोल की पकड़ के रख सकते हैं। माउस व्हील जूम को आगे की तरफ और पीछे की तरफ घुमा के आप टेक्स्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद अब देखते हैं एक दफा इसे जूम करके, तो मैं कंट्रोल पकड़ के, कंट्रोल जो की है उसे पकड़ के माउस व्हील को आगे की तरफ घुमा रहा हूँ, तो देख लो मैं जूम कर पा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो जैसे मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे स्क्रोल बार मिल रही है। हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार मुझे नहीं चाहिए, तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आगे की तरफ निकल चुका है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। जो भी टेक्स्ट यहाँ पे आगे की तरफ और स्क्रीन से बाहर निकल रहा है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो इसके लिए वापस आपको जाना होगा मैनेज पे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद वापस आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब इनेबल करना है आपने वर्ड रैप को। वर्ड रैप को आपने यहाँ पे सर्च करके इनेबल करना है। वर्ड रैप जैसे ही मैंने सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे, और वर्ड रैप इस वक्त ऑफ पड़ा है, तो हमने इस पे क्लिक करके इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद देखते हैं रिजल्ट। देखोगे यहाँ पे जितना मैं जूम कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो देख लो अब हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार था वो गायब हो चुका है, वो अब नहीं आ रहा। इसके नेक्स्ट बाद यहाँ पे देखोगे तो हमें अगर ये थीम पसंद नहीं आ रहा, ये इंटरफेस पसंद नहीं आ रहा, तो अगर आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के इंटरफेस को चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। आपने सिर्फ फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद बॉटम में आपको मिलेगा यहाँ पे प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के नीचे आपको मिलेगा थीम। थीम के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे कलर थीम, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पैलेट मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे थीम्स मौजूद है। इनमें से जो भी थीम आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे थीम उठा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैं यहाँ पे पी टैग अगर यूज कर लेता हूँ, इसके दरमियान मैं लोरम के थ्रू कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं लोरम 5 लिख रहा हूँ, तो मतलब लोरम के थ्रू मुझे 5 वर्ड डमी टेक्स्ट मिलेगा प्रैक्टिस पर्पज के लिए। यहाँ पे मुझे लोरम के थ्रू 5 वर्ड्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो इस लाइन को अगर मुझे डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी कर रहा हूँ। कंट्रोल डी मतलब लाइन तो एक कॉपी हो रहा है और फिर नीचे लाइन की तरफ वो शिफ्ट होता जा रहा है, डुप्लीकेट होता जा रहा है। तो इसके लिए आपने शॉर्टकट की बनाना है। शॉर्टकट की के लिए आपने जाना होगा वापस मैनेज पे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स के नाम से, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा कॉपी लाइन डाउन। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया कॉपी लाइन डाउन और हमें यहाँ पे मिला है कॉपी लाइन डाउन, और इसका शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे रखा है Ctrl+D। आप अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट की रख सकते हो। इसी पे डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट की पुट कर सकते हो। जैसे कि मैं Ctrl+Q कर लेता हूँ और मैं इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टकट की चेंज हो गया। इस पर वापस मैं डबल क्लिक करूंगा, मैं Ctrl+D कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बेहतर है। आप अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट की इसके लिए रख सकते हो। तो मैं जैसे इंटर करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे ये शॉर्टकट की चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे Ctrl+Enter की बात करते हैं। जैसे कि कर्सर इस वक्त मेरे लाइन के बीच में पड़ा है और कॉन्टेंट के बीच में पड़ा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कर्सर नहीं चाहिए, मुझे कर्सर निकालना है और नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट लिखना है। तो हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, प्रिंटर करते हैं, जो कि टाइम ज़ाया हो जाता है इससे। इसका भी शॉर्टकट है, आप यहाँ पे अगर कर्सर रखते हो दरमियान में कहीं पे भी आपका कर्सर पड़ा हो और आपने इस लाइन से निकल के नेक्स्ट लाइन में जंप करना है, तो आप कंट्रोल की पकड़ के इंटर की जैसे प्रेस करोगे तो देख सकते हो आप बिल्कुल इस लाइन के बीच से निकल के नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं, जो कि Ctrl+Forward/ है। Ctrl+Forward/ यूज किया जाता है कमेंट के लिए। तो अगर आपको कोई भी लाइन कमेंट करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर कोई भी लाइन आपको कमेंट करना है, तो कमेंट करने के लिए आप Ctrl+Forward/ यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये वाला लाइन नहीं चाहिए, ये मुझे कमेंट करना है, ब्राउजर के ऊपर मुझे नहीं दिखाना, तो कंट्रोल की पकड़ के मैं Forward/ जैसे प्रेस कर रहा हूँ, तो देख लो ये लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। और ये HTML का कमेंट है, आप इसी तरह किसी भी लैंग्वेज में कमेंट कर सकते हो इसी शॉर्टकट की के थ्रू। और वापस अगर मैं Ctrl+Forward/ प्रेस कर रहा हूँ, तो देख लो मैं कमेंट इसके थ्रू हटा भी सकता हूँ और लगा भी सकता हूँ। तो मतलब आप कमेंट को कुछ इस तरह से टॉगल कर सकते हो, कमेंट आया और गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मल्टी कर्सर की। अगर आपको मल्टी जगहों पे काम करना है विजुअल स्टूडियो के अंदर, मल्टी प्लेसेस पे आपने काम करना है, तो आप मल्टी कर्सर बना सकते हो। मल्टी कर्सर के लिए आप Alt की प्रेस करके रखोगे और उसके बाद आपने क्लिक करते जाना है, तो मल्टी कर्सर बनते
मिलते जाएंगे। जैसे कि ये पी टैग जहाँ जहाँ पे पी लिखा हुआ आ रहा है उसे मुझे चेंज करना है, तो मैंने एक कर्सर यहाँ पे रखा है, फिर आर्ट के थ्रू मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देख लो ये दो कर्सर बने, फिर आर्ट के थ्रू यहाँ पे क्लिक करूँगा तीन कर्सर यहाँ पे, फिर क्लिक मतलब आर्ट की पकड़ के मैं यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ तो देख लो कर्सर बनते जा रहा है, और इस वक्त मैंने छः कर्सर यहाँ पे बनाए, और बैक स्पेस जैसे प्रेस कर रहा हूँ तो जितने भी पी लिखे थे वो सारे यहाँ पे गायब हो चुके। तो मैं यहाँ पे कोई भी और टैग यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेन टैग यूज़ किया, इसे भी खत्म कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से मल्टी कर्सर बना सकते हो, और अगर कोई कर्सर गलती से बन जाता हो, जैसे कि अगर मैं आर्ट के थ्रू यहाँ पे कर्सर बना लेता हूँ और अगर ये कर्सर मुझे वापस हटाना है तो वापस आपने आर्ट की पकड़ के रखना है और इसी कर्सर पे क्लिक करना है तो वो हट जाएगा। आर्ट क्लिक के थ्रू आप कर्सर बना भी सकते हो और आर्ट क्लिक के थ्रू आप कर्सर हटा भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं लाइव सर्वर की, तो लाइव सर्वर यहाँ पे यूज किया जाता है फाइल को ऑटोमेटिक लोड करने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए। ये फाइल एक दफा मैं सेव कर लेता हूँ, अगर डॉट दिख रहा है तो समझो ये फाइल सेव नहीं है, तो कंट्रोल एस फाइल सेव हो चुका है। सेव करने के बाद फाइल पे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ ब्राउजर के थ्रू। हमें यहाँ पे तीन के तीन पैराग्राफ मिल रहा है। अब देखो अगर मैं ये लाइन यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया, बैक स्पेस के थ्रू डिलीट कर लिया, फाइल को मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद पेज को जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देख लो यहाँ पे ये लाइन जा चुका है। मतलब हर टाइम हमें पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन को आपने डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद जैसी फाइल आप सेव करोगे, सेव करने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, फाइल को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं वो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए ये वाली जो साइड बार है, ये पैलेट जो आपको मिल रहा है, इसी में से आपको लास्ट पे जाना है। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है एक्सटेंशन के नाम से, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर को, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया तो हमें यहाँ पे लाइव सर्वर मिल चुका है, इसके 32 मिलियन यहाँ पे डाउनलोड्स है। आपने इसी पे क्लिक करना है और देख सकते हो इसका इंटरफेस, और इसे आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे फिलहाल मुझे डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन मैं अपने इंस्टॉल करना है, मैंने इंस्टॉल करके इसे रखा है पहले से, आपने इसे इंस्टॉल करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो गया, आप देख ले यहाँ पे इसका कमाल, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन हमें मिल रहा है, और ये तभी मिलेगा जब आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल करते हो। तो लाइव सर्वर को मैंने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि हमें दोनों फाइल ओपन होके मिल चुकी है। ये डबल क्लिक के थ्रू मैंने ओपन किया था, और यहाँ पे हमें पूरा पाथ मिल रहा है, हमारा फाइल कहाँ पे पड़ा है उसका पूरा लोकेशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लोकेशन हमें मिल रहा है और पाथ मिल रहा है, ये लाइव सर्वर के थ्रू हमें मिल रहा है। अब लाइव सर्वर के थ्रू एक दफा चेंजेस करके लाइव सर्वर के थ्रू रिजल्ट देखते हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, तो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ये चेंज करना है, मुझे यहाँ पे अपना नाम देना है इस पेज को। तो इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट को खत्म करके लिखूंगा कोड विद नसीब, ये लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एस करके फाइल को सिर्फ मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होके हमें मिल रहा है, पर यहाँ पे चेंज नहीं मिला क्योंकि इसे अपने मैनुअल रिफ्रेश करना होगा। तो अगर आप डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हो तो मैनुअल आपको रिफ्रेश करना होगा, पर अगर लाइव सर्वर के थ्रू आप इसे ओपन करते हो कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंट्रोल डी करके इसे डुप्लीकेट कंट्रोल एस, तो देख लो यहाँ पे मुझे थर्ड पैराग्राफ मिल चुका है और रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देखो शॉर्टकट्स जिसके थ्रू आप अपने कोड को मजीद आसान कर सकते हो।